चिल्ड्रन, टुडे वी विल स्टडी सिक्स चैप्टर ऑफ नाइन्थ क्लास, माई चाइल्डहुड, मेरा बचपन। इन दिस चैप्टर वी विल नो अबाउट APJ अब्दुल कलाम, वट ही रोट अबाउट हिज चाइल्डहुड एंड अबाउट हिज फ्रेंड्स। लेट अस सी। आई वॉज बोर्न, मेरा जन्म हुआ, इनटू ए मिडिल क्लास, एक मध्यम वर्गीय परिवार में, तमिल फैमिली, तमिल परिवार में, इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम, जो आइलैंड टाउन है रामेश्वरम का, वहाँ पर मेरा जन्म हुआ। इन द एर्स्टवाइल, एर्स्टवाइल मीन्स उस समय का, फॉर्मर मद्रास, उसे मद्रास कहते थे पहले स्टेट। माई फादर, जो मेरे पिताजी हैं जैनुलद्दीन, हैड नीदर मच फॉर्मल एजुकेशन, न तो वे ज़्यादा पढ़े लिखे थे, नोर मच वेल्थ, न उनके पास ज़्यादा वेल्थ थी, संपत्ति थी। डेस्पाइट, बावजूद, दीज डिसएडवांटेजेस, इन डिसएडवांटेजेस के, हानियों के एक प्रकार से, ही पोजेस्ड, उसके अधिकार में थी, ग्रेट इनेट विजडम, बहुत, ग्रेट मीन्स बहुत ज़्यादा, इनेट मीन्स जन्मजात, विजडम बुद्धि, एंड और ए ट्रू जनरसिटी, एक सच्ची उदारता ऑफ स्प्रिट, स्प्रिट की। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट, उनकी एक आइडियल आदर्श हेल्पमेट थी, मतलब हेल्पमेट पत्नी। इन माई मदर, मेरी माँ के रूप में असीमा, उसका नाम असीमा था। ये अब्दुल कलाम है जो वो कह रहे हैं। आई डू नॉट रिकॉल, मुझे नहीं स्मरण है द एग्जैक्ट नंबर, सही सही संख्या ऑफ पीपल, लोगों की, सी फेड, जिन्हें वह खिलाती थी एवरी डे, रोजाना, मतलब बाहर के लोगों को खाना खिलाती थी। बट आई एम क्वाइट सर्टेन, मैं निश्चिंत हूँ, दैट फार मोर आउटसाइडर्स एट, मतलब बहुत ज़्यादा आउटसाइडर्स, बाहर वाले खाते थे विद अस, हमारे साथ, देन ऑल द मेम्बर्स ऑफ आवर ओन फैमिली, पुट टुगेदर, जितने हमारे परिवार में सदस्य थे उनसे ज़्यादा बाहर वाले खाते थे। तो इसकी माँ थी जो एक उदार औरत थी। आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, मैं बहुत सारे बच्चों में से एक था, इस सॉर्ट, एक छोटा बॉय, विद रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, और मैं थोड़ा असाधारण सा दिखता था, सिंपल से, सिंपल से टाइप सा था, मतलब अनडिस्टिंग्विश्ड था, ज़्यादा हैंडसम नहीं था। बोर्न, जिसका जन्म हुआ था, टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, जबकि जो मेरे माता पिता थे वे टॉल थे और हैंडसम थे। वी लिव्ड, हम रहते थे इन अवर एंसेस्ट्रल हाउस, अपने पैतृक घर में, एंसेस्ट्रल मीन्स पैतृक, विच वॉज बिल्ट, जो बनाया गया था इन द मिडल, मध्य में, ऑफ द 19th century, 19वीं शताब्दी के मध्य में बनाया गया था। इट वॉज ए फेयरली लार्ज पक्का हाउस, यह काफ़ी पक्का घर था, मेड ऑफ लाइमस्टोन, लाइमस्टोन का एंड ब्रिक और ईटों का बनाया गया था, ऑन द मॉस्क स्ट्रीट, मस्जिद वाली गली में, इसका जो घर है मस्जिद वाली गली में था, इन रामेश्वरम, रामेश्वरम में। माई ऑस्टियर फादर, मेरे जो, ऑस्टियर मीन्स साधारण और स्ट्रिक्ट पिता, यूज टू अवॉइड, वो बचा करते थे, अवॉइड मीन्स बचना, टलना, ऑल इन एसेंशियल कम्फर्ट्स, जितने भी इन एसेंशियल मीन्स अनावश्यक कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज से, ऐसो आराम से। हाउएवर, हालांकि, ऑल नेसेसिटीज, जितनी भी आवश्यकता की चीज़ें होती थी, वर प्रोवाइडेड, प्रदान की जाती थी, फॉर इन टर्म्स ऑफ फूड, भोजन के संबंध में, मेडिसिन और क्लोथ्स, यानी ये सारी चीज़ें मिलती थी समय पर। इन फैक्ट, वास्तव में, आई वुड से, मैं कहूँगा, माइन, मेरा, वाज ए वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, जो मेरा बचपन है बिल्कुल सिक्योर था, सुरक्षित था, बोथ मेटीरियली, यानी मेटीरियली भी ठीक ठाक था, एंड इमोशनली, और भावनात्मक रूप से भी सही था। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट, दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था इन 1939 में, वैन, जब आई वॉज 8 years old, जब मैं 8 वर्ष का था। फॉर रीजन्स, कई कारणों से, आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, मैं कभी समझ नहीं पाया इस सडन डिमांड की, तभी एक अचानक डिमांड हो गई, मांग हो गई, फॉर टैमरिंड सीड्स, जो इमली के सीड होते हैं उनकी, इरप्ट, फट पड़ी इन द मार्केट, मार्केट में मांग फूट गई एक प्रकार से, ज़्यादा डिमांड होने लगी। आई यूज्ड टू कलेक्ट द सीड्स, मैं सीड्स इकट्ठे करता था एंड सेल, और उनको बेचता था, देम टू ए प्रोविजन शॉप, एक पंसारी की दुकान पे, ऑन मॉस्क स्ट्रीट, मस्जिद वाली गली में।
ए डेज कलेक्शन, एक दिन का जो पैसा इकट्ठा होता था, वुड फैच मी द प्रिंसली सम ऑफ वन अन्ना, मतलब आश्चर्यजनक रूप से कह रहा है, प्रिंसली मीन्स आश्चर्यजनक रूप से कि भाई एक अन्ना का मत था मैं, माई ब्रदर इन लॉ, जो मेरे ब्रदर इन लॉ थे उनका नाम था जलालुद्दीन, वुड टेल मी, वो मुझे बताते थे स्टोरीज, कहानियाँ अबाउट द वार, युद्ध के बारे में, विच जो आई वुड लेटर अटैम्प्ट, जो मैं बाद में अटैम्प्ट करता था, प्रयास करता था टू ट्रेस, पता लगाने के लिए, इन द हेडलाइंस, हेडलाइंस में इन द नमनी, वहाँ का जो अखबार था ये उसका नाम है। आवर एरिया, हमारे एरिया के, बींग आइसोलेटेड, जो जबकि हमारा जो एरिया है आइसोलेटेड था, अलग थलग था, वाज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड, और पूरी तरह से अप्रभावित था, अनअफेक्टेड मीन्स अप्रभावित, बाय द वार, युद्ध से, बट सून इंडिया वाज फोर्स टू ज्वाइन द एलाइड फोर्सेज, भारत को भी विवश किया गया, फोर्स किया गया एलाइड फोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए, एंड और समथिंग लाइक ए स्टेट ऑफ एमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड, और एमरजेंसी की स्टेट घोषित कर दी गई, द फर्स्ट कैजुअलिटी, पहली जो घटना थी, केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हाल्ट, सस्पेंड कर दिया गया, रोक दिया गया, मतलब ट्रेन जो हाल्ट होती थी, रोकती थी, वो बंद कर दी गई, ट्रेन रुकनी बंद हो गई एट रामेश्वरम स्टेशन, रामेश्वरम स्टेशन पे, द न्यूज पेपर, जो अखबार है नाउ हैड टू बी बंडल्ड, बंडल बनाया जाने लगा उनका, एंड थ्रोन और फेंके जाने लगे आउट, बाहर, फ्रॉम द मूविंग ट्रेन, चलती हुई ट्रेन से, अब चलती हुई ट्रेन से बंडल्स फेंकेंगे तो नीचे इकट्ठा करने वाला भी होना चाहिए, ऑन द रामेश्वरम रोड, रामेश्वरम रोड पे, बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोड़ी, रामेश्वरम और धनुषकोड़ी के मध्य में, दैट फोर्स्ड, जिसने विवश किया माई कजिन, मेरे कजिन शमसुद्दीन को, हु डिस्ट्रीब्यूटेड, जो मेरा भाई है जो डिस्ट्रीब्यूट करता था, बांटता था न्यूज़पेपर्स इन रामेश्वरम, रामेश्वरम में, टू लुक फॉर ए हेल्पिंग हैंड, यानी उसकी मदद के लिए, टू कैच द बंडल्स, ताकि बंडल्स को कैच कर सके, एज इफ, मानो नेचुरली स्वाभाविक रूप से, आई फील्ड द स्लॉट, मैंने उस स्लॉट को भरा, उस जगह को भरा, यानी मैंने बंडल इकट्ठे किए, शमसुद्दीन, जो मेरा भाई शमसुद्दीन है कजिन है, उसने हेल्प, मदद की मेरी, अर्न माई फर्स्ट वेज, मेरी पहली मजदूरी कमाने के लिए, हाफ ए सेंचुरी लेटर, लगभग 50 साल बाद, आई कैन स्टिल फील द सर्ज, मैं उस तरंग को, उमंग को फील कर सकता हूँ, ऑफ प्राइड, गर्व की, इन अर्निंग माई ओन मनी, अपना पैसा कमाने की, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, यानी जब पहली बार इसने पैसा कमाया तो उसे याद था जब ये जिंदा थे, 50 साल पहले के टाइम के हिसाब से बोला इसने, अभी तो इस समय जब मैं चैप्टर बना रहा हूँ ये जिंदा नहीं है। एवरी चाइल्ड इज बॉर्न, प्रत्येक बच्चे का जन्म हुआ विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें कुछ इनहेरिटेड यानी विरासत में प्राप्त विशेषताएं होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इन टू ए स्पेसिफिक, एक विशेष सोशियो इकोनॉमिक, सामाजिक, आर्थिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट में, एंड ट्रेंड, और उसे ट्रेंड किया जाता है इन सर्टेन वेज, अलग अलग तरीकों से, बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी, यानी अधिकार युक्त व्यक्तियों के द्वारा। आई इनहेरिटेड, मैंने प्राप्त किया ऑनेस्टी, ईमानदारी एंड सेल्फ डिसिप्लिन और आत्म अनुशासन फ्रॉम माई फादर, ये बात याद रखे, फ्रॉम माई मदर, अपनी माँ से, आई इनहेरिटेड, मैंने प्राप्त किया फेथ, विश्वास इन गुडनेस, अच्छाई में, एंड डीप काइंडनेस, और गहरी दयालुता, एंड सो डिड माई थ्री ब्रदर्स एंड सिस्टर, ऐसे ही मेरे तीन भाई बहनों ने किया। आई हैड थ्री क्लोज फ्रेंड्स, मेरे तीन नज़दीकी दोस्त थे इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन में, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन, ऑल दीज बॉयज, ये जो बच्चे थे वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज, ऑर्थोडॉक्स मीन्स रूढ़ीवादी पुराने ख्यालों के ब्राह्मण परिवारों से थे ये, एज चिल्ड्रन, बच्चे के रूप में, नन ऑफ अस एवर फेल्ट, हमने कभी भी महसूस नहीं किया एनी डिफरेंस, कोई अंतर, अमंगस्ट आवर सेल्स, हमारे मध्य, बिकॉज ऑफ अवर रिलीजियस डिफरेंसेस, हमारे धार्मिक भिन्नताओं के कारण, एंड अपब्रिंगिंग और पालन पोषण के कारण, इन फैक्ट वास्तव में रामानंद शास्त्री वाज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री, रामानंद शास्त्री पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री का बेटा था, और वे थे जो द हाइएस्ट प्रिस्ट थे, बड़े पुजारी थे ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, रामेश्वरम मंदिर के, लेटर बाद में ही टुक ओवर द प्रिस्टहुड, उसने प्रिस्टहुड ले लिया, यानी फिर इसका बेटा बना इसकी जगह पुजारी ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, फ्रॉम हिज
फादर, यानी फिर ये बन गए पुजारी। अरविंदन वेंट इन टू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट, और अरविंदन है वह ट्रांसपोर्ट का काम करने लगा फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स, जैसे तीर्थयात्री वगैरह उनको विजिट कराने के लिए। एंड शिवप्रकाशन बिकेम ए कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर, इसका जो दोस्त शिवप्रकाशन था वह कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गया फॉर द साउदर्न रेलवे, साउदर्न रेलवे के लिए। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी, जब सीताराम कल्याणम सेरेमनी होती थी, एक प्रोग्राम होता था, आवर फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स, जो हमारा परिवार है बोट अरेंज करता था, ये अब्दुल कलाम जी कह रहे हैं, विद ए स्पेशल प्लेटफॉर्म, एक विशेष प्लेटफॉर्म से, फॉर कैरिंग आइडल्स, मूर्तियां ले जाने के लिए ऑफ द लॉर्ड भगवान की, फ्रॉम द टेम्पल, टेम्पल से टू द मैरिज साइट, मैरिज साइट तक। और जो वह जगह थी जो सिचुएटेड स्थित थी इन द मिडल, मध्य में ऑफ द पोंड, पोंड के, कॉल्ड राम तीर्थ, राम तीर्थ कहते थे उस जगह को, विच वाज नियर अवर हाउस, जो हमारे घर के पास थी। इवेंट्स, घटनाएं, फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रोफेट, रामायण की घटनाएं और प्रोफेट्स जो महापुरुष होते हैं उनकी घटनाएं जीवन की, उनके, वर द बेड टाइम स्टोरीज, सोने के समय की स्टोरीज होती थी। माई मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल, जो मेरी माँ और दादी बताती थी या सुनाती थी द चिल्ड्रन, बच्चों को, इन अवर फैमिली, हमारे परिवार में। वन डे, एक दिन, वेन आई वॉज इन द फिफ्थ स्टैंडर्ड, जब मैं पाँचवीं क्लास में था, ये अब्दुल कलाम कह रहे हैं, एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में, तभी क्या हुआ, ए न्यू टीचर केम, एक नया टीचर आया टू अवर क्लास, हमारी क्लास में। आई यूज टू वियर ए कैप, मैं एक टोपी पहना करता था, विच मार्क, जो चिन्हित करती थी मी, मुझे एज ए मुस्लिम, कि मैं एक मुस्लिम हूँ। एंड आई ऑलवेज सेट, मैं हमेशा बैठता था इन द फ्रंट रो, आगे वाली लाइन में, नेक्स्ट टू द रामानंदा शास्त्री, नेक्स्ट टू रामानंदा शास्त्री, रामानंदा शास्त्री से आगे, हु वोर, जो पहनता था द, सेक्रेड थ्रेड, पवित्र धागा, यानी जनेऊ पहनता था वह, उसको सेक्रेड थ्रेड को जनेऊ बोलते। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टोमेक, नया टीचर नहीं पचा पाया, स्टोमेक मीन्स यहाँ हजम करना, पचा पाना या सहन करना। ए हिंदू प्रिस्ट सन, एक हिंदू पुजारी का बेटा, सिटिंग, बैठे हुए विद ए मुस्लिम बॉय, एक मुस्लिम बॉय के साथ, इन अकॉर्डेंस विद अवर सोशल रैंकिंग, हमारी सामाजिक रैंकिंग के अनुसार, एज द न्यू टीचर साइड, जैसे ही नए टीचर ने इसे देखा, आई वाज आस्क, मुझसे कहा गया टू गो, जाने के लिए, एंड सिट ऑन द बैक बेंच, यानी नए टीचर ने कहा मुझसे कि चल पीछे जाके बैठ। आई फेल्ट वेरी सैड, मैंने बड़ा उदास महसूस किया, एंड सो डिड रामानंदा शास्त्री, ऐसे ही रामानंदा शास्त्री ने किया। ही लुक्ड अटरली, उसने देखा अटरली, पूरी तरह से डाउन कास्ट, डाउन कास्ट मीन्स उदास, दबाव में, जैसे, एज आई शिफ्टेड, जब मैंने चेंज किया टू माई सीट, अपनी सीट को, इन द लास्ट रो, अंतिम लाइन में, द इमेज, जो मूर्ति थी, तस्वीर थी, ऑफ हिम, उसकी वीपिंग, रोने की, व्हेन आई शिफ्टेड, जब मैंने शिफ्ट किया टू द लास्ट रो, लेफ्ट ए लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी, इसने मुझे, मुझ पे छोड़ा एक लास्टिंग, अंत तक रहने वाला इम्प्रेशन, छाप। आफ्टर स्कूल, स्कूल टाइम के बाद, वी वेंट होम, हम घर गए, एंड टोल्ड अवर रेस्पेक्टिव पेरेंट्स, अपने सम्मानित पेरेंट्स को बताया अबाउट द इंसिडेंट, घटना के बारे में। लक्ष्मणा शास्त्री समंड, लक्ष्मणा शास्त्री ने बुलाया द टीचर, टीचर को, एंड और इन अवर प्रेजेंस, हमारी उपस्थिति में, टोल्ड, बताया द टीचर, टीचर से, दैट ही शुड नॉट स्प्रेड, उसे नहीं फैलाना चाहिए द पॉइजन, जहर ऑफ सोशल इनइक्वलिटी, सामाजिक असमानता का, एंड कम्युनल इंटॉलरेंस, और सामुदायिक असहिष्णुता, इन द माइंड्स, दिमाग में, ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन, निर्दोष बच्चों के, इनोसेंट मीन्स निर्दोष। ही, उसने ब्लंटली, बुरी तरह से, आस्क द टीचर, टीचर से कहा टू इधर अपोलोजाइज, या तो क्षमा मांगे, और क्विट द स्कूल, या स्कूल को क्विट कर दे, छोड़ दे, एंड द आइसलैंड, और आइसलैंड को भी छोड़ दे। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट, खाली टीचर ने रिग्रेट ही नहीं किया, क्षमा ही नहीं मांगी, खेद ही प्रकट नहीं किया हिज बिहेवियर, अपने व्यवहार के लिए, बट द स्ट्रॉन्ग सेंस, एक मजबूत बोध, सेंस ऑफ कन्विक्शन, धारणा का या राय का, लक्ष्मणा शास्त्री कन्वेट, लक्ष्मणा शास्त्री ने दिया, कन्वे किया, अल्टीमेटली, अंततः, रिफॉर्म्ड दिस यंग टीचर, और इस जवान टीचर को सुधार दिया। रिफॉर्म मीन्स सुधार।
ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी, जो छोटा सा समाज है ऑफ रामेश्वरम, रामेश्वरम का, वाज वेरी रिजिड, बड़ा ही सख्त था, रिजिड था इन टर्म्स ऑफ द सिग्रीगेशन, अलगाव के मामले में, ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, विभिन्न ग्रुप्स के। हाउएवर, हालांकि, माई साइंस टीचर, जो मेरा साइंस का टीचर था शिव सुब्रमण्यम अय्यर, दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण, वह भी एक रूढ़िवादी ब्राह्मण था विद ए वेरी कंजर्वेटिव वाइफ, और उसकी पत्नी भी ऐसी ही थी, कंजर्वेटिव मतलब पुराने ख्यालों की, वाज समथिंग ऑफ ए रेबल, रेबल टाइप मतलब एक विद्रोही टाइप इस मामले में। ही डिड हिज बेस्ट, लेकिन उस टीचर ने अपना बेहतर किया टू ब्रेक, तोड़ने के लिए सोशल बैरियर, सामाजिक बाधाएँ, सो दैट, ताकि पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड, जो भिन्न भिन्न बैकग्राउंड से लोग हैं जो, कुड मिंगल, वे मिल सके, आपस में मिंगल कर सके ईजिली, आसानी से। ही यूज टू स्पेंड आवर्स, वह घंटों बिताता था विद मी, मेरे साथ, एंड वुड से, और कहता था, कलाम, आई वांट, मैं चाहता हूँ यू टू डेवलप, तुम विकसित हो जाओ, सो दैट, ताकि यू आर ऑन पार, तुम परे हो जाओ विद द हाईली एजुकेटेड पीपल, उनके साथ हो जाओ जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, पीपल ऑफ द बिग सिटीज, बड़े बड़े शहरों के। वन डे, एक दिन, ही इन्वाइटेड मी, उसने मुझे आमंत्रित किया टू हिज होम, अपने घर पे फॉर ए मील, भोजन के लिए। हिज वाइफ वाज हॉरिफाइड, और उसकी पत्नी बिल्कुल हॉरिफाइड हो गई, भयभीत हो गई, आतंकित हो गई, एट द आइडिया, विचार पे, ओपे मुस्लिम बॉय, एक मुस्लिम बच्चा, बीइंग इन्वाइटेड, जिसे इन्वाइट किया जा रहा है टू डाइन, भोजन करने के लिए, इन अ रिचुअली प्योर किचन, उसके शुद्ध किचन में। सी रिफ्यूज, उसने मना कर दिया टू सर्व, परोसने के लिए मी, मुझे, इन अर किचन, के मैं अपने किचन में से इसको भोजन नहीं परोसूंगी। शिव सुब्रमण्यम अय्यर वाज नॉट परटर्ब्ड, जो टीचर था वह व्याकुल नहीं हुआ, परटर्ब्ड नहीं हुआ, नॉट डिड ही गेट एंग्री, नहीं वह गुस्सा हुआ, विद हिज वाइफ, अपनी पत्नी से, बट इंस्टेड, लेकिन इसके स्थान पर, सर्व्ड मी, उसने मुझे परोसा विद हिज ओन हैंड्स, अपने ही हाथों से, एंड सेट डाउन, और बैठ गया बिसाइड मी, मेरी बगल में, टू ईट, खाने के लिए, हिज मील, अपना भोजन। हिज वाइफ वॉच्ड, उसकी पत्नी ने देखा अस, हमें, फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर, किचन डोर के पीछे से। आई वंडर्ड, मुझे आश्चर्य हुआ, वेदर सी हैड ऑब्जर्व, कि उसने क्या कुछ देखा, एनी डिफरेंस, कोई अंतर, इन द वे, तरीके में, आई एट राइस, जैसे मैं चावल खाता था, या मैंने चावल खाए, ड्रैंक वाटर, पानी पिया, और क्लीन द फ्लोर, और फर्श को साफ किया आफ्टर द मील, भोजन के बाद। When I was leaving, जब मैं जा रहा था, his house, उसके घर से, शिव सुब्रमण्यम अय्यर invited me to join him for dinner again the next weekend. वो शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने कहा कि आप अगले सप्ताह के अंत में भी आओगे भोजन करने के लिए। Observing, देखते हुए, my agitation, मेरी हिचकिचाहट, he told me, उसने मुझे बताया, not to get upset, कि दुखी ना हो, saying, कहते हुए, once you decide to change the system, एक बार आप निर्णय कर लो सिस्टम को बदलने का, सच प्रॉब्लम्स, ऐसी समस्याएं, हैव टू बी कन्फ्रंटेड, उनका कन्फ्रंट करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस, जब मैं उसके घर गया, द नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह, शिव सुब्रमण्यम अय्यर्स वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन, उसकी पत्नी मुझे अपने किचन में ले गई, एंड सर्व्ड मी फूड, और मुझे भोजन परोसा विद हर ओन हैंड्स, अपने ही हाथों से। देन तब द सेकेंड वर्ल्ड वार वाज ओवर, सेकेंड वर्ल्ड वार ओवर हो गया था, समाप्त हो गया था, एंड इंडियाज फ्रीडम वाज इमिनेंट, इंडिया की जो फ्रीडम थी निकट थी, इमिनेंट थी। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, भारतीय अपना भारत बनाएंगे, डिक्लेयर्ड गांधी जी, गांधी जी ने घोषणा की। द होल कंट्री, पूरा का पूरा जो देश है, वाज फील्ड, भर गया विद अनप्रेसिडेंटेड, एक अवश्यंभावी ऑप्टिमिज्म, आशावाद से, जिसकी उम्मीद ना हो, एक ऐसे आशावाद से, अवश्यंभावी आशावाद। आई आस्क्ड माई फादर, मैंने अपने पिता से पूछा फॉर परमिशन, परमिशन लेने के लिए टू लीव रामेश्वरम, की मुझे रामेश्वरम से जाना होगा एंड स्टडी, और पढ़ने के लिए, एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामनाथपुरम, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, रामनाथपुरम में। He told me, उसने मुझे बताया, एज इफ, मानो, थिंकिंग अलाउड, ऊँचा सोचते हुए, अबुल, यानी प्यार से, वे अबुल कहते थे इसे, इसके पिताजी, आई नो, मैं जानता हूँ, यू हैव टू गो अवे, तुम्हें जाना ही होगा टू ग्रो, बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए। डज द सीगल नॉट फ्लाई, क्या सीगल नाम का एक पक्षी है जो नहीं उड़ता है। अक्रॉस द सनसन के पार, अलोन, अकेला, एंड विदाउट ए नेस्ट, बिना घोंसले के। ही कोटेड, उसने उदाहरण दिया खलील जिब्रान का,
टू माई हेजिटेंट मदर, मेरी संकोची यानी हिचकिचाहट करने वाली मदर को, क्योंकि मम्मी है हेजिटेंट हो गई थी, हिचक रही थी। योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। दे आर द सन्स, वे बेटे हैं, एंड डॉटर्स और बेटियां हैं, ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग, जीवन की इच्छा के, फॉर इट सेल्फ स्वयं। दे कम थ्रू यू, वे तुम्हारे द्वारा आते हैं, बट नॉट फ्रॉम यू, तुमसे नहीं आते। यू मे गिव दैम योर लव, तुम उनसे अपना प्रेम दे सकती हो उनको, बट नॉट योर थाट्स, लेकिन अपने विचार नहीं दे सकती उनको, फॉर चूंकि दे हैव देयर ओन थाट्स, उनके अपने विचार होते हैं। तो ये APJ अब्दुल कलाम ने लिखा है, और एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विंग्स ऑफ फायर से ये लिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ चैप्टर आपकी समझ में आया होगा। वीडियो को बार बार देखें, यदि समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।